लेकिन दोस्तों मिस्टर क्रेडिट पर खुश आमदीद। मिस्टर क्रेडिट पर आपको क्रिकेट के मुतालिक दिलचस्प तस्वीरें बातें देखने मिलेंगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को शानदार शिकस्त दी। दोस्तों इसमें बाबर आजम ने एक शानदार बैटिंग की। दोस्तों जैसा कि आपको इल्म है किंग बाबर T20 का बाप है। इंडिया मीडिया कलेक्शन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बॉल और ये बॉल सीमा रेखा के पार, 6 रन, एक और बॉल और एक और छक्का, और इस छक्के के साथ आजम खान ने गेम को फिनिश कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज को 2-1 से नाम कर लिया। पहली ये जीत आयरलैंड के सामने। इस मैच में पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेली, वो पाकिस्तान जिसे आप देखना चाहते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बेहतर टीम थी। इस मैच में रिजवान और बाबर ने नॉस्टैल्जिया के दिनों को याद कराया कि यार अभी भी T20 में हम बेस्ट हैं। लेकिन इसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि वो अभी भी पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम है। कुछ नया पाकिस्तान के लिए हुआ है कि आजम खान ने थोड़ा सा अपना रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है, और इस मैच में 2 छक्के मारे, पिछले मैच में छक्का मारा था। जैसा कि इस मैच के जीत के जिम्मेदार मेरे हिसाब से 3 लोग थे, जिसमें से एक नाम शाहीन शाह अफरीदी का। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, मतलब जिस तरह से उन्हें ह्यूमिलेट किया गया था, चढ़ाया गया था, मजाक उड़ाया गया था, उसके बाद जबरदस्त वापसी। और बाबर रिजवान ने भी इस मैच में कमाल किया। 139 रन की पार्टनरशिप बाबर और रिजवान के बीच में रही। बाबर आजम ने इस मैच में थोड़ा सा जवाब जो है वो देने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में वो बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने गेम चेंज किया और जब 2 छक्के मारे तो 200 छक्के हो गए उनके T20 क्रिकेट में। कुछ अच्छा रहा तो वो था बाबर आजम की बल्लेबाजी, क्योंकि बाबर आजम ने 14वें ओवर में 4 छक्के मारे। ये एक अच्छा ओवर था, और बाबर 4 छक्का मारे तो थोड़ा सा हैरानी भी होती है, लेकिन इस मैच में था। हालांकि इस मैच बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन सेटल होने के बाद बाबर ने थोड़ी सी अपनी क्लास दिखाई और बैटिंग स्टाइल को चेंज किया। 14वें ओवर में पहली बॉल पर छक्का, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर छक्का, पांचवीं पर छक्का, और 25 रन निकाल दिए। ये एक जबरदस्त था, 5 बॉल में 4 छक्के बाबर ने दिखाया। रिजवान ने एक और अर्धशतक लगाया। असली मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से शुरू होने वाला है, और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा लेता है तो फिर पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। बाकी जो बाबर आजम ने भी 5 छक्के मारे, तो बासित भाई का वीडियो देख लिया कि उन्होंने कहा था 3 छक्के जिस दिन मारोगे सामने, ऐसे कुछ उन्होंने उनको चैलेंज दिया है कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना। तो बट एक बात बताऊं, बासित भाई का यूट्यूब चैनल हिट हो जाएगा। बट उन्होंने 3 बैक टू बैक, बासित भाई का क्या यूट्यूब चैनल हिट नहीं है, सुपर हिट हो जाएगा आज। उन्होंने कुछ कहा था कि शायद सीधे 3 बैक टू बैक छक्के ऐसे कुछ। बासित भाई का देखिए आप, आई थिंक बासित भाई के बारे में ना वहाँ पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही हैं बिकॉज ऑफ वही चीज, बाबर आजम का। अब वैसे आपको मैं बताऊं, बासित भाई के बाबर आजम से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो अभी आई थिंक रिसेंटली मिले भी थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने अगेंस्ट टॉप टीम कहा था, मतलब आयरलैंड को उसमें उन्होंने देखा। नहीं देखो, टॉप टीम तो यार हर होती है, बट वही है, यहाँ पे सनी भाई ने चैलेंज किया, वहां पर बासित भाई ने चैलेंज किया। ठीक है यार, देखो बाबर अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बढ़िया ही है, अदरवाइज उनकी प्रॉब्लम वही जो ओपनिंग जोड़ी, अब तो खैर वन डाउन वगैरह शिफ्ट हो गए, वो प्रॉब्लम भी उनके हाइलाइट्स में भी नहीं देखने डाल दो, हाइलाइट्स में ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को मिला था, और ICC के जो उस वक्त थे उन्होंने जी US को घुसा दिया, मनु सानी US को घुसा दिया कमर्शियली, ये वो वाह भाई वाह, गेम वहां पे लेके जानी है। अमेरिका में अमेरिकन को कोई लेना देना नहीं अभी तक क्रिकेट, इंडियन पाकिस्तानी और कैरेबियन, ठीक है। आप स्टेडियम अभी बन रहा है, अभी आज पिच आ रही है, आपको मालूम है टिकट्स बाय द वे सेल दोबारा हो गई है इंडिया पाकिस्तान की, अवेलेबल है। आपको पता है लोएस्ट टिकट अवेलेबल कितने की है, अगर $2,500 मतलब? $2,00,000 इंडियन, और इवन और अकेले तो जाओगे नहीं भाई, तो जाओ। भाई 4 बंदे जाते हैं हर परिवार के, तो $10,000 अगर आप अमेरिका में भी रहते हैं इंडियन या पाकिस्तानी, नॉर्मल है, आप इंडिया के हो गए $8,50,000, पाकिस्तान के हो गए 25 लाख, चार लोग गए तो है, और वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी आप यू नो, और गोरा थोड़ी आएगा आपको देखने, यू आर फ्लीसिंग पीपल, आप तो लोगों को यार लूट रहे हो, फिर बना रहे हो। सर सुनो, देखो अमेरिका में एक मैच है आपका इंडिया पाकिस्तान, बाकी तो चलो बाकी हो गए खत्म, अब आप उसके बाद कहां आ गए, वेस्ट इंडीज। तीसरे T20 मुकाबले में बाबर रिजवान ने मचाया तहलका, आयरलैंड के खिलाफ बना डाला कभी न टूटने वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आखिर आयरलैंड के बीच खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज को पाकिस्तान की टीम ने शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड को एक तरफा अंदाज में मार दी है। हालांकि सैम अयूब रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान का साथ दिया और इन दोनों ने पारी को संभाला, दोनों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान बाबर आजम काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए।
पावर आजम जी, मजा आ गया भाई, दिल खुश करके रख दिया आज बंदे ने, दिल खुश करके रख दिया यार। सच में बता रहा हूँ, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। कब तो T20 विश्व कप में पूरी की पूरी पिक्चर सबको देखने को मिलेगी। और जो लोग बोला करते थे कि बाबर आजम छक्का नहीं मार सकते, ये